गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसके अंतर्गत हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की दार्शनिक विचारधारा और शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन करेंगे। तो उनकी दार्शनिक विचारधारा का अध्ययन करने के पहले उनका थोड़ा सा सामान्य सा जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता के एक शिक्षित धनी परिवार में हुआ था, ब्रह्म शर्मा जी परिवार में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा का भार था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं के ऊपर था। और वो एक बहुत ही विद्वान और देशभक्त और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसका प्रभाव इन पर भी पड़ा। देवेंद्रनाथ जी ने अपने पुत्र की संस्कृत की पढ़ाई और भारतीय दर्शन और ग्रह नक्षत्र की शिक्षा कराई, प्रारंभिक शिक्षा। उच्चतर शिक्षा के लिए इन्हें टैगोर बंगाल एकेडमी भेजा, लेकिन यहाँ का जो निष्क्रिय शिक्षण था उसे बहुत जल्दी ऊब गए और उनके मन में तत्कालीन शिक्षा के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। अब यहाँ पर आप ये देखो, जैसा कि आगे चल के हम ये पढ़ेंगे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो दर्शन है उसको सर्वांगवादी दर्शन कहा जाता है और इनको प्रकृतिवादी भी माना जाता है। इनकी जो विचारधारा है उसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, चारों विचारधाराओं की झलक मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये मतलब प्रकृतिवाद से काफ़ी प्रभावित दिखते हैं। और यही बात आप ये देखोगे रूसो की भी जीवनी देखोगे तो उनका भी जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उससे वो बहुत जल्दी ऊब गए थे और उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो प्रकृति के सानिध्य में रहकर सीखा, खुद से सीखा, स्वाध्याय से सीखा। तो यही इनका भी था कि वहाँ के वो क्रमबद्ध और निष्क्रिय शिक्षण से बहुत जल्दी ऊब गए, इसलिए उस समय की तत्कालीन शिक्षा के प्रति इनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई। सन 1877 में रविन्द्रनाथ टैगोर को कानून की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने इंग्लैंड भेजा, लेकिन वहाँ भी इनके संतुष्टि नहीं हुई और ये बिना कोई डिग्री लिए वहाँ से वापस लौट आए। तो इनकी अधिकांश जो पढ़ाई हुई, शिक्षण हुआ, वो गृह शिक्षण और स्वाध्याय द्वारा घर पर ही हुआ। और इन्होंने बहुत कम उम्र में ही, बाल्यावस्था में ही, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने शुरू कर दिए थे और इसी के परिणाम स्वरूप ही आगे चल के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और नाटककार, चित्रकार, दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और यही नहीं, ये इनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हुई थी कि इन्हें ऋषि की संज्ञा से भी विभूषित किया गया और इन्हें गुरुदेव कहा जाने लगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि जो इनकी रचना थी उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जिसके लिए इन्हें नोबल प्राइज भी 1913 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा इन्हें जो भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार थी, उसने 1915 में इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की, परंतु उन्होंने इस उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रोध स्वरूप इन्होंने उस उपाधि को वापस लौटा दिया था। 1901 में इन्होंने बोलपुर में शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनका सामान्य सा जीवन परिचय था। चूँकि हम हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर दार्शनिक विचारधाराएँ पढ़ रहे हैं, तो इतना सामान्य सा जीवन परिचय काफ़ी है। इसके बाद हम लोग आते हैं इनकी जो दार्शनिक विचारधारा है, तो दार्शनिक चिंतन के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो दर्शन है वो सर्वांगवादी दर्शन माना जाता है, क्योंकि इनके दर्शन में विभिन्न दर्शनों का समन्वय है। अब अगर हम देखें कि कैसे विभिन्न दर्शनों का समन्वय है, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो सबसे पहले तो ये इन्हें आदर्शवादी भी माना जाता है। आदर्शवादी किस लिए माना जाता है? क्योंकि ये आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि इस जगत का निर्माता ब्रह्म है या ईश्वर है।
तो जाहिर सी बात है ऐसी विचारधारा जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आदर्शवाद की झलक इनकी विचारधारा में मिलती है, क्योंकि ये जीवन का अंतिम लक्ष्य भी आत्मानुभूति मानते हैं और इस जगत का निर्माता भी ब्रह्म को मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसी परमात्मा का अंश है। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने इनके दर्शन ये मतलब आदर्शवादी भी हैं, क्योंकि ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद इनको यथार्थवादी भी कहा जाता है। यथार्थवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल आध्यात्मिक जगत में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि ये भौतिक जगत को भी सत्य मानते हैं। इन ये भौतिक जगत में होने वाली क्रियाओं को भी ये सत्य मानते हैं, इसलिए इनको अगर देखा जाए तो यथार्थवादी भी कहते माना जाता है। इसके अलावा प्रकृतिवादी, तो प्रकृतिवादी तो इनको पूर्ण रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी थे और बालक की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बाल जोर देते हैं। और अगर देखा जाए तो जब हम प्रकृतिवाद पढ़ते हैं तो प्रकृतिवाद में हम रविन्द्रनाथ टैगोर और रूसो की विचारधारा की तुलना करते हैं, तो इसी से साबित होता है कि ये प्रकृतिवादी हैं और इन्होंने इनकी विचारधारा प्रकृतिवाद के काफ़ी करीब है, क्योंकि इन्होंने बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया है और विद्यालय को प्राकृतिक पर्यावरण में रखने की पर बल दिया है, क्रिया आधारित शिक्षण की बात कही है। तो अगर आप ये देखो तो इन्होंने इनको हम प्रकृतिवादी भी मान सकते हैं। फिर इसके बाद हम इनको प्रयोजनवादी भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने मानव के व्यवहारिक जीवन पर बल दिया है, यानी व्यवहारिकता पर बल दिया है, सामाजिकता पर बल दिया है, इसलिए हम इनको प्रयोजनवादी भी मानेंगे। तो अगर हम देखें तो इनकी विचारधारा सर्वांगवादी है। उनकी विचारधारा में लगभग जो चारों प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएँ हैं उनकी झलक मिलती है। तो इसके अलावा गुरुदेव उपनिषदीय दर्शन के पोषक थे और उनका मानना था संसार के समस्त प्राणियों में एकात्म है, क्योंकि सभी परमात्मा का अंश हैं, अतः गुरुदेव प्राणियों में एकात्म भाव उत्पन्न करने पर बल देते हैं। और इसी आधार पर कुछ विद्वान गुरुदेव के दर्शन को विश्वबोध दर्शन की संज्ञा देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको देखें तो इन्होंने ये माना है कि समस्त प्राणियों में एकात्म है, एकात्म मतलब एक आत्मा, चूँकि इन्होंने ये माना है कि इस सृष्टि का निर्माता ब्रह्म है, तो जाहिर सी बात है जब ब्रह्म ने अपने स्वरूप से ही इस जगत की रचना की है, अपने अंश से ही जगत की रचना की है, तो जितने भी प्राणियों का उसने निर्माण किया उन सब में आत्मा वही है, तो जाहिर सी बात है उनमें एक आत्मा है, यानी सब में एक ही आत्मा है। तो जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति इस एकात्म भाव की अनुभूति कर लेता है, जब वो ये मान लेता है कि चाहे मेरे में या एक चींटी में या एक हाथी में या किसी भी जीवधारी में कोई भी विभेदीकरण नहीं है, क्योंकि सब में एक आत्मा है, यानी सब में एक ही आत्मा का वास है, तो जाहिर सी बात है वही स्थिति क्या होती है, वही उसी स्थिति को इन्होंने आत्मानुभूति या मुक्ति की बात कही है। क्योंकि जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाता है, हम ये आभास करने लगते हैं कि समस्त प्राणी, कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं है, श्रेष्ठ या निम्नतर नहीं है, सभी प्राणियों में समान आत्मा का निवास है, तो जाहिर सी बात है उस दिन हमें संसार के सभी सभी जीवधारियों से प्रेम होगा, सभी जीवधारियों के प्रति दया और करुणा की भावना होगी। तो जाहिर सी बात है इन्होंने सबसे ज़्यादा एक आत्म भाव पर विकसित करने पर बल दिया है। और आगे जब हम इनकी शैक्षिक विचारधारा पढ़ेंगे तो उन्होंने बार बार, चाहे शिक्षा के उद्देश्यों की बात हो चाहे पाठ्यक्रम की बात हो, सब जगह इन्होंने एकात्म भाव के उदय पर बात की है। ये माना है कि मतलब शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बालक के अंदर एकात्म भाव की भावना जागृत हो। इसके अलावा इसी आधार पर, चूँकि इन्होंने एकात्म भाव के विकास पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, इसलिए बहुत सारे विद्वान इनके दर्शन को विश्वबोध दर्शन कहते हैं। विश्वबोध दर्शन क्योंकि इनकी सोच संकुचित नहीं थी, राष्ट्रीय स्तर की नहीं थी, बल्कि वैश्विक स्तर की थी, क्योंकि इनका यह मानना है कि जब इस सृष्टि का निर्माता ईश्वर है तो चाहे वो भारत के नागरिक हों, चाहे वो अमेरिका के नागरिक हों, चाहे किसी भी देश के जीवधारी हों,
तो जाहिर सी बात है उनमें कोई भी विभेदीकरण नहीं है। तो इनका जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है और ये सारे विश्व में एकात्म भाव की अनुभूति करते थे और यही अपेक्षा करते थे कि बच्चों में भी यही गुण विकसित हो। क्योंकि अगर जिस दिन बच्चों में ये या नागरिकों में ये गुण मतलब भाव विकसित हो जाएगा कि संसार के सभी प्राणी एक हैं, सब में एकात्म भाव है, उस दिन ये जो संसार में ये तनातनी का माहौल, युद्ध का माहौल या आपसी खींचा तान मचा हुआ है ये कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि उस दिन उसको ये आभास हो जाएगा कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और सब दरअसल हम एक ही आत्मा के, परमात्मा के अंश हैं। तो जाहिर सी बात है समस्त प्राणी आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे। तो ये उनका मानना था। तो उनकी विचारधारा बहुत श्रेष्ठ थी और इसीलिए इन्हें ऋषि की संज्ञा दी गई है और गुरुदेव की भी संज्ञा दी गई है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इनकी तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा और मूलमीमांसा का अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।